यूपी में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। हत्यारे दिन दहाड़े मर्डर कर मौके से फरार हो जाते हैं। यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसा ही दिल दहला देने मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक को गोलियों से भून दिया गया। जानकारी के अनुसार जुमे की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे युवक की उसके ही समुदाय के तीन युवकों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वारदात को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में बुलंदशहर के एसएसपी ने खुर्जी गेट चौकी इंचार्ज राजेश यादव को सस्पेंड कर दिया है। सड़क पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा यह शव सिकंदराबाद के मोहल्ला रिसालदारन के रहने वाले 24 साल के युवक साजिद का है। दरअसल साजिद इसी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़कर निकला ही था कि घात लगाकर साजिद का इंतजार कर रहे तीन युवकों ने रंजिश ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर साजिद की हत्या कर दी और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हत्या और फायरिंग की वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची सिकंदराबाद पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ शव को कब्जे में लेकर पंचनामा व पोस्टमार्टम को भेजा है। इलाके की नाकाबंदी कर हत्यारों की तलाश में जुट गई है। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो वारदात को रंजिशन अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तीन हत्यारों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से एक हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि फरार दो आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसएसपी ने रंजिश अनुहुई दिन दहाड़े हत्या की वारदात को लेकर खुर्जा गेट चौकी इंचार्ज राजेश यादव को भी लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है। आज दिन में लगभग 2 बजे के आसपास सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हत्या की एक घटना हुई है। ये साजिद नामक युवक जो 24 साल जिसकी उम्र थी और ये मस्जिद से नमाज पढ़ कर के बाहर निकल रहा था, वहीं पर उसी मोहल्ले के रहने वाले उसी समुदाय के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। सामान्य मारपीट के बाद फिर उसके ऊपर फायर कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभियोग नामजद पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है तथा लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या मौके पर नहीं है। फिलहाल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनवरत प्रयास जारी है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।